الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات صدق الله العلي العظيم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا, اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجر کاری کا ہے, جس سے نباتات سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں, جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو. اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا, اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں. بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنا, ترجمہ سنا قاری نعمان سیفی سے, آج ہم ویورز بات کریں گے انوائرمنٹل پروٹیکشن کی, یعنی کہ ماحول کی حفاظت کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں اس ٹاپک کا کیا ریزن ہے. ویورز, ماحول کی حفاظت کا ہمیں اسلام نے بھی حکم دیا ہے, بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام حالات سے, مطلب عام حالات کو تو آپ سائڈ پہ کریں, جنگ کی حالت میں بھی درختوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ درخت اور پودے صدقہ جاریہ ہیں. تو ویورز, ایک درخت کی اگر ہم بات کریں, اور بائی دی وے ہم صرف درختوں کی اور پودوں کی بات نہیں کریں گے,
अगर आप माहौल की बात करें या माहौलियात की बात करें तो दरख्त हो गए, पत्थर हो गए, जंगल हो गए, दरिया हो गए, हवा हो गए, चरिंद परिंद हो गए, ज़मीन आसमान, ये सब अल्लाह की मखलूक है। और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना और उनको प्रोटेक्ट करना अशरफुल मखलूकात यानी कि इंसान का फ़र्ज़ है। लेकिन इनका ख्याल रखने के बजाय हम नुकसान पहुँचाते चले जाते हैं। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें, एक दरख्त 10 लोगों को, एक दरख्त 10 लोगों को ऑक्सीजन फराहम करता है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी जुज़ है। अब जब आप एक दरख्त काटते हैं तो आप 10 लोगों का ऑक्सीजन जो है डेली का वो ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादती नहीं है। और ये जो दरख्त है ना सिर्फ ऑक्सीजन फराहम करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए जहरीली है चीज़ उसको अब्सॉर्ब करते हैं। तो व्यूअर्स, एक चीज़ जो हमें इतने बेनिफिट्स देती है और सबसे बड़ी बात यह कि जानदार चीज़ है, उसकी हिफाजत करना, उसके तहफ़ करना, उसको अल्लाह की एक अमानत समझ के उसको उसका ख्याल रखना, क्या ये हमारा फ़र्ज नहीं बनता? तो आज हम बात करेंगे माहौल की हिफाजत इस्लाम के रूप। इससे रिलेटेड गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले, सामने प्यारी सी सलमा खान, आज हम दोनों बहनें मैचिंग मैचिंग सी हुई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल है। आपकी गुफ्तगू में थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगी कि चलें सेहत के एक तनाजुर में जो आपने बात की है कि पौधे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि पौधे हों या हमारे पालतू जानवर हों, ये हमारे लिए जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इतनी एफिलिएशन होती है लोगों को बाज़ औक़ात अपने पौधों से या अपने पालतू जानवरों से कि वो उनसे दूर उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आज सुबह मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, यू नो होता ना कि डेली ट्रांसमिशन कर रहे होते बंदा एग्जॉस्ट भी हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली अपने व्यूअर्स से इतना प्यार है और आंट टीवी इतनी मोहब्बत और प्यार देता है तो ऑब्वियसली। तो आज का शो, मैं जब उठने की कोशिश कर रही थी ना बिस्तरे से, मेरी थोड़ी बैक में पेन हो रही थी, तो मेरा जो बिल्ला है लियो वो आके साथ बैठ गया और ऐसे करके मुझे देखे। जब तक मैं उठ के बैठी नहीं वो वहाँ से हिला नहीं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। और एक घबराई हुई शक्ल के साथ मुझे देख रहा था, और जो घर में बच्चियाँ काम करती कहती है आपकी आपकी जब तबीयत खराब होती है ये आपके बिस्तर के साथ से हिलता ही नहीं है। वैसे सारा दिन घर में वारागर्दी करता रहे वो भी और टाइनी भी, लेकिन लियो आके मेरी साइड नहीं छोड़ता। और मुझे तो आपको पता है वैसे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारे घर में टर्टल्स भी हैं, मतलब दो बिल्लियाँ अपस्टेयर्स हैं, मेरी बहन नीचे रहती है उनकी भी दो बिल्लियाँ, चार बिल्लियाँ घर के अंदर हैं, अच्छा बाहर 3 डॉग्स हैं। सो डॉग्स, कैट्स, टर्टल्स, हम जो भी जिंदा जानदार चीज़ है हमें तो उससे बहुत प्यार है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, मैंने जो बिल्ली रखी हुई है, मतलब मेरे पास भी पेयर है, तो वो एक बिल्ली उसमें ऐसी है कि जब मैं नात शरीफ पढ़ती हूँ ना, वो घर के किसी भी कोने में हो वो दौड़ के आके मेरी गोद में बैठ जाती है। माशाल्लाह, उसको नात से इतनी मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए ना व्यूअर्स, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं हम ले क्या सकते हैं, इस इन्वायरमेंट को हमने वापस क्या देना, ये बहुत मैटर करता है।